Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with KI? Alcohol तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? एल्कोहल के एल्किल आयोडाइड में परिवर्तन के लिए KI के साथ H2SO4 का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि यह KI के को HI में चेंज करेगा और इसके पश्चात HI आसानी से डीकंपोज होगा, तत्पश्चात इसे I2 में ऑक्सीकृत कर देगा। यहां सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी एक्ट करता है। इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, यानी प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने अपने को। सबसे पहले इसके लिए प्रोपेन यानी कार्बन 3 का एक स्केलेटन बनाएं, उसके बाद फर्स्ट वाले कार्बन पर 2 वैलेंसी को हेलोजन से Cl या X के रूप में भी आप हेलोजन को यूज कर सकते हो। तो ये तो जेम डाई हैलाइड बनेगी, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 समान हेलोजन ग्रुप आ गए। 3 कार्बन मिडल वाले कार्बन पर 2 हेलोजन, ये भी जेम हैलाइड है। 3 कार्बन फर्स्ट और सेकंड पर समान हेलोजन, तो ये विशनल या निकटवर्ती डाई हैलाइड। और फर्स्ट और लास्ट पर जब हेलोजन समूह हो तो उसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहेंगे। C5H12, इसके हमें मोनो आइसोमरिक आइसोमर फॉर्म करने हैं। Among the isomeric alkane of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yield a single monochlorides, 3 isomeric monochlorides, 4 isomeric monochloride। तो सबसे पहले carbon 5, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन 5 के एल्कीन आइसोमर बनाएं। तो फर्स्ट एन पेंटेन, सेकंड जो कार्बन फिफ्थ वाला है उसको फर्स्ट और लास्ट पर न लगाएं, सेकेंड पर यूज करें या थर्ड पर।
ये आइसो पेंटेन थ्री कार्बन टू कार्बन को मिडल वाले कार्बन पर ऐड करें, ये नियो पेंटेन। इस प्रकार C5H12 के थ्री आइसोमर हो गए। अब फर्स्ट एन पेंटेन, ये जो एन पेंटेन क्लोरीन और सनलाइट या फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन पर इसमें 1 डिग्री कार्बन से एच, 2 डिग्री कार्बन से एच रिप्लेस होंगे। यहां पर CH3 और CH3 फर्स्ट और लास्ट, ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तत्पश्चात CH2 ये दोनों 2 डिग्री 2 डिग्री और ये जो CH2 ये 2 डिग्री प्राइम, इसको 2 डिग्री प्राइम कहें। इस प्रकार 3 टाइप के कार्बन हो गए, तो 3 ही प्रकार गैस हुए, तो हमें ये 3 मोनो आइसोमर मिलेंगे CH3 CH2 CH2 CH2, यहां से H, नेक्स्ट H रिप्लेस करें, और CH, Cl यहां ऐड हो गया, Cl यहां है और Cl 1 क्लोरोपेंटेन। टू क्लोरोपेंटेन, थ्री क्लोरोपेंटेन, नेक्स्ट Cl2 सनलाइट, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री प्राइम, 1 डिग्री प्राइम। इस तरह 4 टाइप कार्बन हो गए, तो 4 टाइप के इसमें अपन को एच मिलेंगे। ये 1 डिग्री प्राइम क्यों है, क्योंकि ये इसका एडजेंस्ट या पड़ोसी, इसका एडजेंस्ट या पड़ोसी 3 डिग्री कार्बन है, जबकि इस 1 डिग्री का 2 डिग्री है। तो इस 1 डिग्री में और इस 1 डिग्री की प्रॉपर्टी में अंतर होगा, फिर 2 डिग्री का अलग आइसोमर बनेगा और 3 का अलग, यानी 4 प्रकार के हमें इसमें मोनो क्लोराइड्स मिलेंगे। इसी प्रकार नियोपेंटेन का मोनो हैलोजिनेशन होगा, तो इसमें 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन, यानी एक ही टाइप के हमें एच मिल रहे हैं। यहां पर 4 डिग्री कार्बन तो हो सकता है, लेकिन 4 डिग्री एच नहीं होता, इसलिए 1 डिग्री एच रिप्लेस होगा और हमें नियो पेंटाइल क्लोराइड मिलेगा।
इस क्वेश्चन में केवल एक मोनोक्लोराइड वो तो मिला अपने को नियोपेंटेन से, उसके बाद तीन मोनोक्लोराइड्स मिले अपने को एन पेंटेन से, और फोर मोनोक्लोराइड्स मिले आइसोपेंटेन से।